तो दोस्तों स्वागत है आपका। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम हुसैन है और आप देख रहे हैं मुंबई प्लस न्यूज़। दोस्तों हम करबला मैदान की तरफ खड़े हुए हैं, पर जो बाहर के लोग हैं, जैसे चीता कैंप के बाहर के लोग जिनको हम अजनबी भी कहते हैं, और बहुत सारे लोग मतलब चीता कैंप के बाहर के लोग हैं जिनको यहाँ पर कमाने के लिए आते हैं, जो अपने घर से खाना तो नहीं बना के खाते हैं, वो कहीं ना कहीं बीसी या होटल में वगैरह में जाके खाते हैं। लेकिन दोस्तों उनको काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा है इस लॉकडाउन के चलते। कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन है उनके ऊपर कहीं ज़्यादा ही भारी पड़ा है, हमने ऐसा देखा भी है और हमने ऐसा सुना भी है। मगर दोस्तों यहाँ के जो रहवासी हैं चीता कैंप के, जिनका नाम अब्दुल सलाम है, इन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की है, कहीं ना कहीं खाना बना करके रेडी करके वो खाना देने का काम किया है लोगों को। ये कॉन्ट्रैक्टर भी हैं एक अच्छे, और ये कहीं ना कहीं बहुत सारे जो अजनबी है जिनको हम कहते हैं कि वो लोकली नहीं है, वो बाहर से आते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, लोगों को खाना देने का काम इनका जारी है। डे टू या डे थ्री से ये काम कर रहे हैं जब से लॉकडाउन हुआ है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि जो लोगों को खाना बांटते हैं, कितना पैकेट दिन भर में बांट लेते हैं आप और कितने लोगों तक आप पहुँच जाते हैं खाना लेकर? 300 से 350 लोगों को रोज डेली खाना बांट रहे हैं। ऐसा अचानक एक आदमी चक्कर आकर गिरा इधर गली में, इसके लिए हम लोग भी 11-12 दिन हो गया आज चालू करके, रोज खाना 300-350 आदमी को बांट रहे हैं हम लोग बना के। ऐसा है कि आप कारखाने में जाके बांट रहे हैं क्या? खुद आके लेके जा रहे हैं यहाँ तक, क्यों कारखाने में बांटने का इतना वक्त भी नहीं है, बनाना भी इधर खड़े के बनाना भी है बांटना भी है, तो नहीं हो सकता ऐसा कारखाना जाके यहाँ के लेके जा रहे हैं। ऐसा है कि जो इसमें इन्वेस्टमेंट है, जो इसमें फंड्स है, वो आप कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं? जो हमारे पास है उसमें कर रहे हैं हम लोग, कैसा भी कोशिश करके जहाँ तक अल्लाह दिया है करते रहेंगे। जब हमारी हिम्मत टूट गई तो फिर देखते इधर उधर कोई देगा तो करेंगे, नहीं तो फिर बंद कर सकते भी। जैसे अभी उद्धव ठाकरे जी हैं, उन्होंने कहा है कि जो लॉकडाउन है 30 तारीख तक चलेगा, तो क्या हम उम्मीद कर पाएंगे कि आप 30 तारीख तक इसको कवर कर लेंगे खाने? कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जरूर कोशिश करेंगे 30 तारीख तक होने का करने की कोशिश करेंगे। ओके शुक्रिया। जैसे कि देखा हमारे साथ में सलाम भाई थे, उन्होंने कहीं ना कहीं 300-350 लोगों तक खाना पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अगर आप भी उस लायक है कि आप तक खाना नहीं मिल रहा है, आप खाना नहीं बना के खा पा रहे हैं, आपको खाना जहां लाखों जगह पे चीता कैंप में कहीं जगह पे बट रहा है, अगर आपको वहां से नहीं मिल पा रहा है, तो आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। करबला मैदान के थोड़ा सा आगे पिच स्कूल है, वहां पर रहते हैं, वहीं पर खाना बनाते हैं और वहीं से डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। शुक्रिया दोस्तों हमारा न्यूज़ चैनल देखने के लिए। कैमरा लेके खड़े कादर हुसैन, और वैसे तो आप मुझे जानते ही, मेरा नाम हुसैन शेख है। थैंक यू, धन्यवाद।